ये पकड़ो, मैं ठीक कर देता हूँ। डॉक्टर शिव, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर शिव, मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों तो एक ही चीज चाहते हैं ना, कि धर्म खुश रहे। तो फिर ये लड़ाई क्यों? अगर मेरा ब्लड ग्रुप सेम होता ना, तो मैं अपना सारा खून धर्म को दे देती। शायद आपके जितना प्यार ना कर पाऊं, लेकिन प्यार तो मैं भी करती हूँ ना धर्म से। प्लीज आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अगर आप सच में धर्म से प्यार करती हैं, तो खत्म कर दीजिए ना ये लड़ाई। धर्म को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी वजह से हो रही है। प्लीज, धर्म के लिए भूल जाइए ना ये सब कुछ। प्लीज आंटी जी, अगर धर्म को कुछ हो गया ना, तो मैं नहीं जी पाऊंगी। और मुझे पता है कि आप भी नहीं जी पाएंगी। प्लीज आंटी जी, धर्म के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तूने मनोरमा पे हाथ उठाया और मनोरमा तुझे माफ कर दे? सही कहा आपने, ये गलती माफ करने के लायक नहीं है, सजा देने के लायक है। आपका तो नहीं पता आंटी, लेकिन मैं खुद को सजा जरूर दूंगी। प्लीज आंटी, मुझे धर्म से अलग मत कीजिए। हम दोनों ने साथ में मिलकर दरवाजा तोड़ा था, धर्म को बचाया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही करना होगा, लेकिन इस बार तोड़ना नहीं, कुछ जोड़ना होगा। आपके और मेरे रिश्ते को, अगर धर्म को कुछ हो गया ना, मैं नहीं जी पाऊंगी। धर्म है तो हम है, धर्म नहीं है तो हम नहीं है। प्लीज आके मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज नहीं, नहीं बेटा, नहीं। इतना प्यार करती है तो मेरे मंकोड़े से। ठीक कह रही है तू, अगर धर्म नहीं तो हम नहीं। और वैसे खबर न हो तो कह दू, धर्म की तकलीफ की वजह हम नहीं, हमारे बीच का झगड़ा है। और आज जब मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे के लिए मेरे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, तो मैं अपने बेटे के लिए उससे दोस्ती क्यों ना करूं? खत्म कर देते हैं हमारा झगड़ा हमारे धर्म के लिए। अच्छा,